जैसा कि देख सकती है जो कार है ऑडी Q7 है, इसके अंदर जो है चेक इंजन लाइट और एरमेटिक सस्पेंशन जो रहता है, सस्पेंशन का भी लाइट आ रहा है। देखते हैं, स्कैनिंग करते हैं कि RTTC ट्रबल को दिखा रहा है इसमें। इंटेलिजेंट डायग्नोस में ये सब गाड़ियों को कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, अपने को ढूंढना नहीं पड़ता है कि गाड़ी कौन सी है, वीन नंबर ये सब डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रीड कर लेता है खुद। 2013 की गाड़ी है Q7 ऑडी। तो उसके अंदर जो फॉल्ट दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड डंपिंग एडजस्टमेंट वाल का दिखा रहा है, कंट्रोल पोजीशन और डायरेक्ट बता रहा है। ओके, तो उसमें एक लेफ्ट साइड का जो दिखा रहा है, एक सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा है और एक कंट्रोल पोजीशन, मतलब इसको जो है एडॉप्शन करना पड़ेगा, इसको जो है बेसिक क्या बोलते हैं, इसको जो एडॉप्शन करना पड़ेगा, हाइट जो लेवल है ठीक है, इसके लिए वो लाइट आ रही है। एक बार फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं फिर देखते। ठीक है, फॉल्ट चले गया, कंट्रोल पोजीशन लोड अडेप्टिव लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसको अडेप्शन करना पड़ेगा, इसकी वजह से ये जो लाइट है, ये लाइट इसकी वजह से आ रही है, हाइट लेवल का या एरमेटिक भी बोल सकते हैं इसको आप, एरमेटिक का भी ज़्यादा बोलते हैं इसको, देख सकते हैं अडेप्टिव और सस्पेंशन लिख के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी जो है डाउन है, थोड़ा हाइट मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है, इसको अपन उस कंफर्ट मोड, ऑटोमेटिक, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ से चूज़ करने के इसको। जब तक हाइट लेवल अपना सही नहीं होगा, लाइट जाएगी नहीं इसके अंदर से। ठीक है, लाइट आती रहेगी कंटिन्यू जब तक इसका जो है एडॉप्शन होगा नहीं। तो इसको कर लेते हैं, देखते कैसा है। और इसमें जो प्रॉब्लम था, ये जो सेंसर है इसका, सेंसर का फॉल्ट था, इसके अंदर दो ही आते ज़्यादा, तो इसका मोटर वगैरह भी ख़राब होता है। ठीक है, पंप जो रहता है इसका, कंप्रेसर वो सब भी ख़राब होता है, पाइप वगैरह भी लीक होते हैं, या कभी कभी मारबीट लगने की वजह से इसका जो रॉड वगैरह निकल जाता है, ये जो हाइट लेवल सेंसर का जो फॉल्ट दिखा रहा है उसका मारबीट लगने से निकल भी जाता है समटाइम, और कभी कभी डंपिंग भी मार लगने से कुछ टूट टूट जाता है तो भी ये हो जाता है, या सॉकअप ख़राब होने की वजह से भी रहता है, क्योंकि इसका जो सेंसर है सॉकअप के ऊपर ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका फॉल्ट है, सब हम लोगों ने कर लिया है, अभी फिटिंग वुटिंग कर रहे हैं इसका, आपको इसको अडेप्शन करके दिखाता हूँ, लॉन्च से हो जाता है। एंड हाँ, बहुत बार मैं सोचा इसलिए वीडियो बनाऊँ, 3-4 गाड़ी है क्या, बट वीडियो आधी बनती है इसलिए मैं डाल नहीं पाता हूँ, इसमें कोशिश करूँगा। ये भी कभी कभी इसका मतलब स्पीड ब्रेकर वगैरह से या कुछ मार वगैरह लगने की वजह से रॉड वगैरह निकल जाता है या फटका लग जाता है, तो ख़राब भी होता है ये सेंसर। ठीक है, लेकिन इसमें जो फॉल्ट दिखा रहा था, डंपिंग सेंसर का दिखा रहा था, ये जो है डंपिंग सेंसर नहीं, इसका जो डंपिंग सेंसर है सॉकअप के ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसको कभी कभी बिठाने के टाइम अगर हम लोग से गलती से रॉ मतलब ये जो रॉड है घूम के लग गया तो ये बराबर काम नहीं करता, इसको पोजीशन देख के लगाना चाहिए, ऐसा जो इसका मेन पोजीशन है वैसा। कभी खोलने के टाइम अगर सस्पेंशन का काम करने के लिए हम लोग इसको खोलते तो अगर ये रॉन्ग लग गया तो भी फिर ये फॉल्ट जो है क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पोजीशन देख के लगाने का। ये इसका फॉल्ट है इसमें सॉकअप सर का, तो अभी इसको अडॉप्शन कर लेते एक बार। नहीं बची यार, बहुत टाइम हो गया। पैक कर देना कल के लिए।
90 क्या था, हाँ क्या था ये, तो अपने को स्पेशल फंक्शन चूज करना है। एक बार 400 डाल के चेक करता हूँ हो रहा है कि नहीं, 400 में होगा नहीं ये, तो क्योंकि 449 ऑलरेडी है तो इससे नीचे तो जाएगा नहीं, 450 60 70 करना पड़ेगा, जैसा कि देख सकते हैं नहीं हुआ ये। वापस से बैक जाना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन एरर हो गया, वापस से इसको रीड कर लेता हूँ। ठीक है, वापस फॉल्ट क्लियर करना पड़ेगा, फॉल्ट क्लियर करके वापस से दिखता हूँ। यस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, नो करेंगे तो अंदर चले जाएंगे, मतलब ऑप्शन ओपन हो जाता है। ओके, तो अभी मैं इसको 400 डाला था क्योंकि 449 इसका नॉर्मल ऑलरेडी हाइट था, इसका जो है करंट हाइट, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसको कम कर लेता हूँ। और कितना 449 है, तो 460 डाल के देखता हूँ एक बार, या 480 एक्सेप्ट कर लेगा। डाल लेता हूँ, सक्सेस, जैसा देख सकते हैं सक्सेस हो गया। ठीक है, और फ्रंट लेफ्ट का हो गया, अभी फ्रंट राइट का करते आगे का। इसमें 470 डाला था तो इसमें भी 470 डाल लेता हूँ। उसका हाइट ले, मतलब जो टायर का इंच टेप से आप माप के भी डाल सकते हो उसका। ठीक है, फ्रंट राइट का हाइट इनपुट कर देते इसके अंदर, तो 470 था तो 470 इधर भी कर देता हूँ, सक्सेस हो जाएगा ये, देख सकते सक्सेस। और अभी पीछे का कर लेते, रियर लेफ्ट का कर लेते,
तो रियर रैप में जो 465 है करंट जो इसका भी है अवेलेबल हाइट, तो अपने को इसको 480 या 490 डाल के देख सकते हैं इसमें। तो 480 कर लेता हूँ मैं, सक्सेस। ठीक है, जितना इसमें लेवल करंट लेवल रहता है उससे थोड़ा ऊपर ही डालने का रहता है तो सही रहता है। ये 465 ये 480 कर लेता हूँ, सक्सेस, चारों हो गया। तो ये लॉन्च से हो जाता है। ऑडी का अगर एयरमेटिक सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कभी, कुछ मतलब कोई सेंसर वगैरह का इशू आ गया या एडाप्शन करने की ज़रूरत पड़ी तो इससे कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो। तो इससे हो गया लॉन्च से, ठीक है, लॉन्च से हो जाता है। तो बस इसको सेव कर देना, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये।